फ्रेंड्स, मैं रेनु सिंघल आप सब लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल लॉ वॉलेट पे स्वागत करती हूँ। आज मैं गुवाहाटी हाई कोर्ट का केस लॉ डिस्कस करने जा रही हूँ। इस केस लॉ में डिसाइड किया गया है कि क्या पुलिस जीएसटी ऑफिसर एंड कस्टम ऑफिसर के शू में पैर रख सकते मींस क्या पुलिस जीएसटी ऑफिसर एंड कस्टम ऑफिसर के बिहाफ पे एक्शन ले सकती है। तो चलिए देखते हैं इस केस लॉ के क्या फैक्ट्स है। असम पुलिस ने 26 ट्रक्स डिटेन किए क्योंकि उन्हें डाउट था कि ये ट्रक विदाउट वैलिड डॉक्यूमेंट्स मूव कर रहे हैं। पुलिस के अकॉर्डिंगली डॉक्यूमेंट जेन्युइन नहीं थे, साइन भी फोर्स थे, जीएसटी पेमेंट के डॉक्यूमेंट्स भी ऑर्डर में नहीं लग रहे थे, मींस इवेजन ऑफ जीएसटी भी इन्वॉल्व लग रहा था। जो बैटल नट्स सीज किए गए थे वो मिजोरम में नहीं मिलते थे और पुलिस को डाउट था कि ये म्यांमार से स्मगल किए गए हैं। तो इस तरह से स्मगलिंग का भी केस लग रहा था, मींस कस्टम डिपार्टमेंट को भी इन्वॉल्व होना चाहिए था। पर पुलिस ने कहा कि सेक्शन 4 सबसेक्शन 2 ऑफ सीआरपीसी के अकॉर्डिंगली पुलिस किसी भी ऑफेंस से रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन कर सकती है, मींस इंक्लूडिंग जीएसटी भी। और सेक्शन 102 सबसेक्शन 1 के अकॉर्डिंगली पुलिस को सीजर भी परमिसेबल है। तो अब देखते हैं एपेलेंट ने कहा क्या कहा। एपेलेंट के अकॉर्डिंगली उन्होंने कहा सेक्शन 67 ऑफ सीजीएसटी के अकॉर्डिंगली प्रॉपर ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ जॉइंट कमिश्नर कैन सीज द गुड्स, पर गुड्स पुलिस असम पुलिस ने सीज किए। सेक्शन 4 सबसेक्शन 2 ऑफ सीआरपी को जीएसटी ऑफेंस के लिए इन्वोक नहीं किया जा सकता, इसलिए असम पुलिस ने गुड्स जो डिटेन किए थे वो जस्टिफाइबल नहीं थे। फर्दर अब कोर्ट की फाइंडिंग क्या थी। कोर्ट ने कहा कि जो असम पुलिस ने आईपीसी के अंडर सर्टेन ऑफेंस की इन्वेस्टिगेशन कर सकती है, ट्रक इनिशियली फ्रॉड एंड फॉर्जरी के रीजन से डिटेन किए गए थे तो पुलिस का रोल फॉर्जरी ऑफ डॉक्यूमेंट तक ही कन्फाइंड था। जो पुलिस है उसे क्या करना था, पुलिस कस्टम एक्ट के वॉयलेशन को इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकती। ये अप्रोप्रिएट होगा कि अगर पुलिस स्मगलिंग का केस कस्टम को हैंडओवर कर दे और जीएसटी का केस जीएसटी डिपार्टमेंट वालों को हैंडओवर कर दे। प्लस फर्दर कोर्ट ने इंस्ट्रक्ट किया, उन्होंने बोला कि जीएसटी डिपार्टमेंट एंड कस्टम डिपार्टमेंट एंड पुलिस अथॉरिटी मीन्स तीनों अब सात दिन के अंदर अपनी अपनी प्रोसीडिंग डिसाइड करें और ये डिसीजन अथॉरिटी नहीं ले सकती। अगर ये डिसीजन अथॉरिटी 7 दिनों में नहीं ले पाती हैं, तो ये डिटेंशन और सीजर को इनअप्रोप्रिएट माना जाएगा। तो फ्रेंड्स इस केस का क्रक्स निकल कर आता है कि जीएसटी डिपार्टमेंट का रोल जीएसटी डिपार्टमेंट, कस्टम का रोल कस्टम और पुलिस का रोल पुलिस को ही प्ले करना चाहिए। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपके कोई भी डाउट्स है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू, दैट्स ऑल।